और चलिए बात कर लेते हैं जयपुर की, जहां सुखदेव गोगा मेड़ी मर्डर केस के शूटरों की आखिरी लोकेशन रेवाड़ी में मिली है। रेवाड़ी से गाजियाबाद जाने की आशंका है। शूटरों का ठिकाना पता लगाने में राजस्थान पुलिस के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और यूपी पुलिस भी लगातार मदद कर रही है। हमलावरों को पकड़ने के लिए एनसीआर में लगातार छापेमारी की जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, शूटरों की आखिरी लोकेशन का पता चला है। ये तस्वीर जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था कि आखिर किस तरीके से यहां पर गोलीबारी की गई थी और शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया था। हालांकि जो जानकारी है कि हरियाणा के रेवाड़ी में ये आखिरी लोकेशन पाई गई है। हरियाणा के रेवाड़ी से गाजियाबाद जाने की भी आशंका है और इसीलिए राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब पुलिस जो है वो लगातार इस ऑपरेशन में जुटी हुई है। ये कोशिश की जा रही है कि इन आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। शूटरों की आखिरी लोकेशन हरियाणा के रेवाड़ी में मिली है और उसके बाद हरियाणा के रेवाड़ी से गाजियाबाद भागने की आशंका जताई जा रही है। ये वो सीसीटीवी फुटेज जिसे जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। और 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद से ही दोनों शूटर फरार हैं। पुलिस राजस्थान के अलावा हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी उनकी तलाश कर रही है। अब तक की जानकारी क्या सामने आई है वो जरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब तक की जानकारी ये है कि उसके मुताबिक हमलावर जयपुर में मर्डर करते हैं और उसके बाद राजस्थान के ही कुचामन में वहां पर चले जाते हैं और देखिए यहाँ पर डीडवाना हो जाते हैं, वहां पर कार खरीदते हैं और उसके बाद की जानकारी ये सामने आती है कि वो दिल्ली की ओर आगे भाग जाते हैं। हालांकि आपको ये भी अपडेट बता दें कि जो उनकी लोकेशन है वो रेवाड़ी में पाई गई है। अब शक ये है, इस मैप को दिखाने के साथ साथ हम आपको ये समझा रहे हैं कि शक ये गहरा रहा है कि वहां से वो गाजियाबाद भाग गए होंगे। अब ऐसे में वो किसी भी रूप में फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश ना चले जाए ये भी एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर भी गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। रेवाड़ी में लास्ट लोकेशन मिली है और अब गाजियाबाद में तलाश की जा रही है। जो भी आसपास के इलाके हैं सब पुलिस की मदद लेकर इस वक्त ढूंढने की कोशिश की जा रही है। देखिए शुरुआत यहां पर होती है कैसे जयपुर में मर्डर किया जाता है। कुचामन वो बस से पहुंच जाते हैं और उसके बाद सुजानगढ़ पहुंच जाते हैं, फिर दिल्ली की ओर भाग जाते हैं। यानी कि लोकेशन वो बार बार बदल रहे हैं लेकिन फिर भी पुलिस लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो जयपुर, सुजानगढ़ और अब बताया जा रहा है कि गाजियाबाद जो है वो आखिरी लोकेशन है और अब ये भी कहा जा रहा है कि अब दरअसल क्योंकि रेवाड़ी से गाजियाबाद भागने की आशंका है। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुखदेव हत्याकांड में गैंगस्टर कनेक्शन के बाद पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा के गांव के आसपास 850 लड़कों की लिस्ट तैयार की है। पुलिस उन सभी लोगों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है जिनका संबंध रोहित गोदारा से है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, पुलिस उन 850 लड़कों की अब तलाश कर रही है। उनकी सबसे पहले लिस्ट जो है तैयार की जा रही है और उनसे जो है जानकारी जुटाई जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में आप समझिए, राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष यानी कि गोगा मेड़ी कड़ी सुरक्षा के बीच रहते थे, घर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। हालांकि ये बात अलग है कि जिस वक्त शूटर उनसे मिलने पहुंचे थे उन्होंने गोगा मेड़ी के एक परिचित का सहारा लिया। आपको दिखाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ खास इंतजाम थे। न्यूज 18 इंडिया पहुंचा है राजस्थान के उस इलाके में जहां पर गैंगस्टर रोहित गोदारा का घर है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये तस्वीर। हरियासर इलाका है जहां पर खेतों के बीच में रोहित गोदारा का घर बना हुआ है। घर के अंदर परिवार में उसकी माँ, भाई और पिताजी रहते हैं और ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं ये रोहित गोदारा का ही कहा जाता है और ये पूरा शानदार एक आपको घर दिखाई दे रहा होगा क्योंकि पुलिस की टीमें यहाँ पर लगातार पहुँची हैं पूछताछ करने के लिए, चाहे कहें पूछताछ या फिर छापेमारी, क्योंकि आसपास का जो इलाका है रोहित गोदारा का पूरा बचपन से यहाँ पर समय बीता है और उसके कपूरीसर इलाके में भी हम गए थे जहाँ पर वो पहले उसका घर था। उसके बाद यहाँ पर वो ज़मीन लेकर इस जगह पर आए, अपने खेतों में आ गए क्योंकि वहाँ पर का प्लॉट उन्होंने बेच दिया था। जिसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं, रात भर पुलिस की टीम आई थी, कई बार यहाँ पर आ चुकी है कुछ ऐसे लोगों का यहाँ पर पता लगाने की, ताकि पता चल सके कि आखिर जो गोदारा है उसका परिवार का ताल्लुक या फिर उसके जो गैंग के लोग हैं क्या वो यहाँ पर रहते नहीं या नहीं रहते, क्योंकि जो दोनों शूटर हैं अभी भी फरार हैं और शूटरों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार कपूरीसर, हरियासर और उसके आसपास के उन इलाकों में छापेमारी कर रही है या जा रही है पूछताछ करने के लिए।
तो सवाल कई हैं कि आखिर जब इतनी सुरक्षा थी तो आखिर किस तरीके से घर में शूटर घुसे और उन्होंने इस तरीके से गोलीबारी की। लेकिन दोनों शूटर जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर फरार हुए तब उन्हें लगातार लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता रहा। इतना ही नहीं, अब खबर यह भी है कि शूटर फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग सकते हैं। आपको जानकारियां देते हैं कि अब तक क्या कुछ जानकारी। देखिए, सूत्रों के मुताबिक शूटर नेपाल बॉर्डर के जरिए विदेश भाग सकते हैं, जो हमेशा से किसी भी आरोपी के लिए बड़ा आसान होता है। किसी स्थानीय इलाके से फर्जी पासपोर्ट तैयार करवा सकते हैं। उनकी आखिरी लोकेशन जो है वो रेवाड़ी में मिली है, जहां से कहा जा रहा है कि वो गाजियाबाद भाग सकते हैं। और यही वजह है कि पुलिस पासपोर्ट दफ्तर से जानकारी जुटाने में लगी हुई है। ये भी जानकारी दी गई है पासपोर्ट ऑफिस को कि अगर इस तरीके की जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस को जो है सूचना दी जाए। इतना ही नहीं, पुलिस इमिग्रेशन से भी जानकारी जुटाने में लगी है ताकि आरोपियों की पहचान और फोटो मिलाई जा सके। और इमिग्रेशन ऑफिसर्स को भी जानकारी दी गई है और ये फोटोज उन्हें दी गई है।